एमपी के शाहपुर में एनटीपीसी विंध्याचल का एसडीएम अचानक टूट गया है, जिसके चलते करीब 6 गांव जलमग्न हो गए। लोगों के घर में कई फुट तक पानी भरा तो बड़ी संख्या में मवेशी और 3 लोग पानी में बह गए। एक रिपोर्ट देखिए। देश के सबसे बड़े ताप विद्युत गृह एनटीपीसी विंध्य नगर के शाहपुर में बना ऐश डाइक डैम ने बीते दिन जमकर कहर बरपाया। करीब शाम 5 बजे की बात है जब पानी के दबाव के चलते डैम टूट गया और देखते ही देखते पूरा शहर पानी पानी हो गया। कई मवेशी बह गए, 3 लोग फंस भी गए। इनमें से एक व्यक्ति को तो बाद में निकाल लिया गया, लेकिन 2 लोग देर रात तक फंसे रहे। इस बीच पानी की तेज धारा के सामने जो भी आया वो उसे बहा ले गई। उधर खतरे को देखते हुए सीआईएसएफ जवानों ने मोर्चा संभाला और हालातों पर काबू पाने की कोशिश की। कि जैसे ही हमने देखा, करीब 4:15 की बात है, जैसे हमने देखा कि पानी का फ्लो इधर आ रहा है हमारी साइड में, तो अपोजिट और लौट के वहीं खड़े थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया हमारी पुलिस टीम द्वारा, रस्सा लगा करके उनको संवहन क्रिया के अनुसार पकड़ते हुए एक दूसरे को ले आए। शाहपुर में बना B1 एश डैम सबसे पुराना डैम है। इसमें कई दिनों से रिसाव हो रहा था, लेकिन इन सबके बीच अधिकारियों की लापरवाही भी इस हादसे की वजह बनी, क्योंकि रिसाव के बाद वक्त पर मरम्मत न होने के चलते रविवार शाम डैम टूट गया। इससे अफरा तफरी मच गई। आप तस्वीरों में देखते हैं कि बांध के बाद किस तरह का मंजर था। इस दौरान डैम से निकला राख पानी में बहकर सूर्य नाला, गहिलगढ़, अमहवा टोला, जुवाड़ी से बहते हुए रिहांद जलाशय में जाकर मिल गया। वहीं मौके पर पहुंचे अधिकारी जैसे तैसे गुस्साए लोगों को शांत कराते नजर आए। उनका आरोप था पानी में बहे उनके कई मवेशी वापस नहीं लौटे, जिससे लोगों ने हंगामा किया। ये घटिया के एनटीपीसी के द्वारा जो डाइक बनाई गई है, एस डैम राखड़, और इनका राखड़ जो बनाया हुआ डैम है, वो डैम आज लगभग 6:30 बजे लगभग फूट गया। उसको फूटने से काफी गाय भैंस मान हानि, जो भी आदमी थे मजदूर थे काम करने के लिए, संडे को भी इन्होंने कैंप अंदर बना रखा है लेबरों का, सारे लेबर थे। अभी तक तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लेबर काम कर रहे थे, कितने लेबर नहीं कर रहे थे, और कितने गाय भैंस उस मलबे के अंदर में दबी हुई है। ये सारी घटना सुबह ही क्लियर हो पाएंगे कि उसमें क्या हुआ। घटना तो दर्दनाक घटना, दुखद घटना है ये। कहीं ना कहीं हमारे उसमें से रेस्क्यू में 4-6 लोग फंसे थे, और हमारे प्रशासन के लोग सहयोग किया उन्होंने और रस्सी के माध्यम से उन्होंने निकाला। खैर, एनटीपीसी विंध्याचल का ऐश डैम टूटने से करोड़ों के नुकसान की आशंका तो है। वहीं जयनगर, जुवाड़ी, अमहवा टोला समेत करीब 4 गांव ऐश डैम की राख से बुरी तरह से प्रभावित हुए। हालांकि प्रशासन हालातों पर काबू पाने में जुटा है। सिंगरौली से विपिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, R9 TV।